Hello everyone, welcome back on our channel friends. This is your friend Rajnik and Bharti again in the series of awareness of hearing loss. दोस्तों awareness of hearing loss. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में इस समय कानों में होने वाले infection पहले की अपेक्षा और महीनों की अपेक्षा ज़्यादा होता है. इससे बचा जा सकता है. इसके कुछ तरीके होते हैं जिसको आप हमेशा ध्यान रखें तो बच सकते हैं, इस प्रकार की समस्या नहीं होगी. जैसे अपने कानों को हमेशा क्लीन और ड्राई रखें, उसके बाद से अपने कानों को ईयरबड्स से, जो कॉटन वाले ईयरबड्स आते हैं उससे साफ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए खुद से, या अपने कानों में उंगली, पेंसिल, पेन, इस प्रकार की किसी भी चीज़ से साफ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. इससे चोट लग सकता है, इससे कानों में समस्याएं बढ़ सकती है. खुद से ईयरबैग्स क्लीन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. अपने कानों में किसी भी प्रकार का ईयर टिप या ईयरफोन्स यूज करते हैं, दूसरे का ईयरफोन्स यूज करते हैं, तो उसको क्लीन हमेशा देखने की कोशिश करें कि क्लीन हो. इससे भी इन्फेक्शन इसमें ज़्यादा फैलता है. आपको बारिश में भीगने से बचना चाहिए. अगर भीगते हैं तो उसके बाद से अपने कानों को सूखे कपड़े से साफ करने चाहिए. इस समय स्विमिंग करने से बचने चाहिए, या स्विमिंग करते समय ईयर प्रोटेक्शन डिवाइसेज यूज करने चाहिए, ईयर प्लग्स यूज करने चाहिए. इस प्रकार की कुछ सिंपल से टिप्स होते हैं, इससे आप अगर बचाव करें तो ये आपके लिए, आपके कानों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, और आप ईयर इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, इस प्रकार की समस्या से बच सकते हैं.